मिलावटी दूध की फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में मिलावटी दूध बरामद। मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे इलाके में पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के दौरान मौके से मिलावटी दूध का भंडार मिलने की सूचना पर खाद्य विभाग की टीम को बुलाकर मिलावटी दूध का सैंपल लेते हुए अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग इसमें बड़ी कार्यवाही करने की तैयारी में है। दरअसल मुंडा पांडे सीओ को मिली सूचना के आधार पर मुरादाबाद लखनऊ हाईवे स्थित एक बंद पड़ी फैक्ट्री पर सीओ ने फोर्स के साथ छापा मारा तो पुलिस को मौके पर दूध से भरा एक टैंकर खड़ा मिला और फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े ड्रमों में दूध भरा हुआ था। मुरादाबाद पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि ये टैंकर बहराइच जनपद से दूध कलेक्ट करके अमरोहा जनपद के गजरोरा स्थित गोपाल जी दूध प्लांट के लिए चला था, लेकिन दूध का काला कारोबार करने वाले सिंडिकेट ने मुरादाबाद में मिलावटी दूध बनाना शुरू कर दिया। पकड़ा गया आरोपी अपने बचाव के लिए यह कहता रहा कि वो लोग तो केवल 20 से 25 लीटर दूध निकाल लेते हैं। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने दूध की जांच कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को भी मौके पर बुला लिया और दूध के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए। इस विषय में जानकारी देते हुए खाद्य विभाग अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि देखने से ही दूध मिलावटी प्रतीत हो रहा था। सैंपल ले लिए गए हैं, रिजल्ट आने के बाद कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हाँ, कल यहाँ मूढ़ा पांडे थाना के अंतर्गत सीओ हाईवे के द्वारा जो है एक टैंकर पकड़ा गया था दूध का, जो बहराइच से दूध उसमें टैंकर में आ रहा था और ये अमरोहा की तरफ जो गोपाल जी का प्लांट है वहाँ पे जा रहा था। लगभग 12,000 लीटर दूध जो है वहाँ पे टैंकर में मिलने की पुष्टि हुई है। सीओ साहब को कहीं से कोई सूचना मिली थी कि मिलावटी दूध जा रहा है, तो उनकी सूचना पर हमारे खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी एरिया ऑफिसर श्री प्रकाश वहाँ पे गए और उस दूध का जो है जांच हेतु नमूना संग्रह किया गया है। जांच में दूध अधोमानक होने की संभावना व्यक्त की गई है और जो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद मिला वो फिरसत अली ग्राम मीरपुर थाना गजरौला अमरोहा का रहने वाला है। उसकी कस्टडी से दूध ले लिया गया है और दूध को जांच के लिए भेजा गया है। जैसे ही रिपोर्ट आती है हम FSA Act के तहत कार्रवाई करेंगे।